पहले बलाज आएगा, बलाज का मुकाबला करने के लिए यहाँ से कौन आएगा? हुसैन। यहाँ से हुसैन आएगा। इसका मतलब है दूसरा मुकाबला होगा लारेब वर्सेस शैज। आज देखेंगे ये दोस्ती कहाँ तक पहुंची है। चलो भाई पहले आएगा बलाज। आ जाओ बलाज, शाबाश। कमॉन 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 बलाज, रेडी। खोल के डांस करना है आज, पॉइंट विन करने के लिए डांस कर रहे हो अपनी टीम के लिए। रेडी गो बलाज। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे नु पंजाबी टच, मजा जण नच मजा जण नच मजा जण नच, ये नच मजा जण नच मजा जण नच मजा जण, किते विच मक मा जा तुझी फिर लगे आ जा, बिना नु तरसा जा दिमागा नु खनका जा, ओ मैं अंग्रेजी ते पावे ते पंजाबी टच, मजा जण नच मजा जण नच मजा जण नच, ये नच मजा जण नच मजा जण नच मजा जण नच, छे आ मजा जा वाली आख गई देखो एक कुड़ी अज हार गई, तेरी सो डोला मर जावांगी मैं ते तेरी मेरी गल्ला बनी, ओए ते तेरी मेरी गल्ला बनी, ओए ओए घड़े आल दे मोह निकाल ली, मेरा पिया घर आया ओ लाल नी, मेरा पिया घर आया ओ लाल नी, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, बहुत आला है यार जो इसने अभी फ्रंट फ्लिप मार यार, बहुत आला बलाज। हुसैन मियां रेडी हो? रेडी, शाबाश, खुल के करना हुसैन, गो गाइस। जदों जदों दिल किसे ना डोले, ए नवा नवा रस की शक दा खोले, ए हर सू तक देना दिन बोले, तू सानू भूल ही ना सब तो सोनिए, आई नी मन बोनिए, मैं तेरा हो गया प्यार बिच खो गया, सब तो सोनिए आई नी मन बोनिए, मैं चंदी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, बेक मैनू बेक बेक कि दिल्ली कुंडी खड़गी है, की मैं नसा जुट दे हर दूजी लड़की है, नाल नाल मेरे नाल नाल एक नीम च पिछे लगे है, आंदी जांदी खाम खा तकरार कर दिए, करो मैं की मैं लावा जरा मैं जान चढ़ावा, किनू मैं रोका किनू जान गया, लाया 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 उड़ीका गालो लाया, लाया 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 उड़ीका गालो, लाया 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 उड़ीका गालो लाया, बहुत आला है यार उससे। लेकिन एक बात पूछनी है, माइक देना जरा उसको लाके, इश्क दा रोग बुरा है किसको पता, किसको समझानी हो, किसको समझा रहे थे? आमिर को देख रहा था, आमिर को समझा रहे हो इश्क का रोग बुरा है, उनको किस देश को ही नहीं है या सबको पता है किसको किससे क्या क्या हुआ है? मुझे कभी नहीं हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया था, नहीं ये नेचुरल आ रहा था। वापस वापस डिसाइड करेंगे आप लोग, पहले मुझे बताइए दोनों में से बेहतर परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी है? आज बहुत ज़्यादा जो टिपिकल और मुश्किल स्टंट्स किए हैं वो बलाज ने किए हैं जी, और हमारी तरफ से ये टिकटॉकर्स की तरफ से जो कोशिश की है हुसैन ने, नए स्टेप्स किए हैं इसने और अच्छे, यानी कि एंटरटेनिंग थी इनकी परफॉर्मेंस बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से और हमारे बैंड भी हम लोग जो सोच रहे हैं उस हिसाब से बलाज का जो है ना थोड़ा मुश्किल था जो भी उसने किया, तो बाकी आप अपनी राय दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों को ज़्यादा बेहतर बलाज की परफॉर्मेंस लगी है। देखिए एक चीज़ जो है ना यहाँ समझ किए हैं वो बिल्कुल किए हैं, और शायद फर्स्ट टाइम ही किए जो उसने फ्रंट फ्लिप मारा था, वो मैंने बलाज को कभी करते हुए नहीं देखा, लेकिन जो बाकी टाइम होता है जैसे म्यूजिक चल रहा होता है उसमें बलाज सिर्फ ये कर रहा होता है,
उसमें भला सिर्फ ये कर रहा होता, जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है वहाँ तुम कुछ नहीं करते हो, वहाँ तुम सिर्फ इंतज़ार करते हो कि म्यूज़िक की कोई ऐसी बीट आएगी जहाँ पर तुमने वो स्टंट करना है। देखो स्टंट जो है ना वो डांस का पार्ट हो सकते हैं, वो डांस इटसेल्फ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वो फिर हम कोई और सा गेम खेलेंगे, ये डांस सेगमेंट है। इसमें स्टंट्स जो हैं वो तुम्हारे डांस को चार चांद लगा सकते हैं कि तुमने जो भी तुम मूव कर रहे थे उसके बाद तुमने कोई स्टंट किया, चार चांद लग गए। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये करते रहोगे और इंतजार करोगे कि नहीं अभी कोई बीट आएगी और मैं जाके वो करूँगा, क्योंकि लारेब खड़ा हुआ तुमको बता रहा था कि तुम जो हो आइडल खड़े मत हो जाओ, तुम कोई स्टेप करते रहो, तुम वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हुसैन आज फ्लोर को पूरी तरीके से यूज नहीं करता, जो जो इसने स्टेप्स किए हैं बहुत एनर्जेटिक थे, कहीं रुका नहीं एक भी जगह ये डांस के ऊपर। मैं कुछ कहना चाहूँ बोलो। तो जैसे कि हम दोनों डांसर्स नहीं है, वो भी अगर सारे स्टेप्स कर रहा है तो वो भी समझो बच्चों की तरह से उछल कूद, तुमने क्यों नहीं किया? प्रॉपर वो स्टेप्स थे नहीं, तुमने क्यों नहीं किए? तो दानिश सर उसने जिमनास्टिक नहीं की, मैंने जिमनास्टिक किया, वो उसने स्टेप्स नहीं किए, मैंने स्टेप्स कह रहा हूँ। अगर तुम यही वाले जो तुम्हें लग रहा है कि इसके स्टेप्स अजीब से थे, अगर तुम यही करके स्टंट्स कर लेते तो फिर तुम जीते हुए थे बालाज, इसमें कोई शक ही नहीं था। लेकिन तुम आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ ये करते रहे, ये हो रहा था, ये मैं इंतज़ार कर रहा था पीछे खड़ा हुआ कि तुम डांस आज कुछ नया करोगे, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम ये हुआ है और स्टंट हुए हैं। सिर्फ इस बिहाफ पे मेरी तरफ से ये एक पॉइंट जाएगा हुसैन को। तो हुसैन अगर बेनिफिट एक दोनों को मिल रहे हैं ना, अगर उसने स्टेप्स किए, मैंने जिमनास्टिक किया, अगर एक एक पॉइंट बराबरी का, एक्टिंग में भी नहीं होगा, सिंगिंग में भी नहीं होगा, बराबर नहीं हो सकते। अब तुम लोग आ गए क्वालिफायर्स में और एलिमिनेशन में, या पॉइंट या तुम्हारे पास जाएगा या तुम्हारे, मैं हद दर्जा कोशिश करूंगा गेम्स के अंदर भी कि कोई एक टीम जीते। अगर बिल्कुल बराबर गेम्स खेलोगे तो शायद पॉइंट चले जाए, लेकिन जहां पर डिसीजन आएगा वहां पर नहीं। देखो मुझे तुम्हारा डांस लगा बहुत अच्छा था, मैंने तुम्हें अप्रिशिएट भी किया था, तुम्हें जो जो फ्लिप मारे थे, लेकिन बालाज अगर तुम ओवरऑल देखोगे ना तो तुम्हारी एनर्जी कहीं पर कम थी। मैं तुम्हें ये आज इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड कर जाते हो तो उसमें ये मौका नहीं जाने दो। तुम कब तक ये करते रहोगे? कुछ और लाओ, ये जो टाइम निकलता है ना इसके अंदर कोई मूव रख लो अपनी, घर में प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हारे डांस को चार चार लगाएंगे तुम्हारे स्टंट्स जो इनमें से कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज का एक सीख तुम्हें देके जा रहा हूं और ये पॉइंट जाएगा हुसैन के साथ। ये किसने रख दिया लाके? इस पे बैठ के करोगे आज डांस तुम? रेडी हो? आज तुम्हारे सामने पहाड़ है और उस पहाड़ को तुमने अगर सर करना है तो ऐसा डांस करना पड़ेगा कि आज ऑडियंस भी हैरान रह जाए, मैं भी हैरान रह जाऊं, टीम भी हैरान रह जाए। तुम यहां से पॉइंट उसी वक्त जीत सकते हो, मैं सच बता रहा हूं। रेडी गो गाइस। ओजे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोते जित बीतड़ी, ओजे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोते जित बीतड़ी, ओरे दी गलन लगे तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, रेंदी गलन लगे तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, ओजे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोते जित बीतड़ी। बहुत आला भाई, बहुत आला। सारी रात गुजारी रल के, सारी रात गुजारी रल के, तेरा दिल अज भर आके नहीं, वेख वे दिन चढ़या के नहीं। भाई बहुत आला लारे बलाज, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसके स्टेप्स देखो नए थे आज, तकरीबन 80% स्टेप्स के नए थे। बहुत आला भाई लारे, शानदार। चलो भाई अब तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ गई है, नए स्टेप्स करना बहुत जरूरी। शेज आज दिखाओ इन लोगों को कि तुम किस लेवल के परफॉर्मर हो। रेडी गो शेज। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, अरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की,
बहुत आला भाई, जबरदस्त। बताइए, अब मुकाबला है लारेब का, नए स्टेप्स का। शेस के स्टेप्स भी काफी सारे नए थे, पुराने भी थे, लेकिन डिसाइड पहले आप लोग कीजिए कि ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आज इन दोनों दोस्तों में किसकी है। आज अगर देखा जाए जी, उस हिसाब से शेस तो अच्छा डांस करता ही है, और उसने जारी बात है आज भी कुछ नए स्टेप्स भी किए हैं और कुछ पुराने भी किए हैं जी। लेकिन लारेब की टोटली आज लग रहा था जैसे कि डांस परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट, नई उसने कोशिश की है कि मेरे सारे स्टेप्स डिफरेंट हों, तो उस लिहाज से ये मेरे ख्याल से बराबर ही आ रही है परफॉर्मेंस शेस के बराबर ही। मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज इसको अगर मिल रहा है तो वो शायद ये कि इसने तकरीबन सारे डांस जो है इसने नया करने की कोशिश की, लेकिन शेज़ इज़ अ वेरी गुड डांसर, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से दोनों की बराबर थी परफॉर्मेंस। आप लोग इस तरह मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन आपकी एक्सपर्टीज खुद की बताओ, डांस की बताइए, कुछ कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ पुराने वहाँ भी थे, ठीक है, अगर आप चाहें तो रिप्ले देख सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पुराने थे लेकिन 80% उसके स्टेप जो थे वो आज नए थे। लेकिन डांस में चीजें थी वो मुख्तलिफ, तुमने स्टार्ट था वो बिल्कुल अलग तरीके से किया था, वो तुमने कभी नहीं किया जी। लेकिन बहुत सारे स्टेप्स जैसे तुम्हारा हेड रोल जो था वो तुम पहले कर चुके हो परफॉर्म, और जो तुम्हारी दो तीन फ्लिप्स थे वो भी कर चुके हो तुम परफॉर्म, तुम एक हाथ में जो दूसरे हाथ से टच करते हो पैर वो भी तुम पहले परफॉर्म कर चुके हो। लारेब की परफॉर्मेंस के अंदर 80% आज स्टेप्स वो थे। लेकिन डांस में दानिश सर सिर्फ एक चीज नहीं देखी जाती, एक्सप्रेशन, एनर्जी, अलाइनमेंट, सब कुछ, सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो वो बात बिल्कुल है, उस चीज में तो तुमसे किसी का कंपैरिजन है ही नहीं इस गेम के अंदर, इस पर्टिकुलर गेम के अंदर। ये बोला ही इसलिए गया था नए स्टेप्स, क्योंकि जिनको नहीं भी नाचना आता अच्छी तरह, तुम्हारे लेवल का तो यहां कोई भी नहीं है, वो भी कुछ ऐसे नए स्टेप्स लेकर आए जो ऑडियंस को ज्यादा एंटरटेन करें। इसीलिए स्टेप्स भी काउंट होने चाहिए ना, अगर 4 स्टेप पूरे डांस में हो गए। हर चीज देखो, हर चीज काउंट होती है, और इसका सिर्फ मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं, याद रखो सिर्फ मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पूरी टीम है 6 लोगों की, उनको भी जो लोग वो जो देखेंगे वहाँ से उनको लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे लग रहा है यार आज लारेब ने बिल्कुल सही किया है तो उन लोगों को ना लग रहा हो, ना मेरे पास कोई माइक है जो उनसे कनेक्ट हो जो मैं उनको बोलूँ यार आप इनको जितवा दीजिएगा या उनको कर दीजिएगा, वो वहाँ से बैठ कर जेन्युइनली बिल्कुल फेयर डिसीजन दे रहे हैं। मैं भी अपनी वही कोशिश करूँ। स्टंट्स गिन रहे हैं, अगर स्टंट्स को अगर हटा भी दें तो डांस स्टेप्स को अगर आप काउंट करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। देखो तुम्हारे एनर्जी लेवल तो अलग ही है, मैं तुम्हें ये कह ही नहीं रहा हूँ कि तुमने बुरा डांस किया, तुमसे अच्छा डांसर कोई नहीं है, लेकिन आज जो ज्यादा नए स्टेप्स थे वो लारेब के थे। ये पॉइंट लारेब के साथ जाएगा, एक पॉइंट लारेब का, एक पॉइंट हुसैन का, मिलकर हो जाएगा इस। अब क्राउड टीवी पर नहीं बल्कि लाइव देखेगा गेम शोज। जी हाँ, गेम शोज के दरवाजे एक बार फिर खुल चुके हैं SOPs का खास ख्याल रखते हुए आपके लिए। तो अपनी पसंदीदा टीम को लाइव देखने के लिए अभी बोल हाउस से हासिल करें गेम शोज के पासेस और बन जाएं हिस्सा अपने पसंदीदा गेम शो का। मजीद तफसीलात के लिए 02137171117 पर कॉल करें या 03703111106 पर गेम शो लिखकर व्हाट्सएप करें। पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।